नमस्कार। पटना के गर्दनीबाग क्षेत्र के जन कल्याण राशन कार्ड धारियों ने पास मशीन से राशन ना लेने का विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, कोरोना जैसी महामारी बीमारी को लेकर हम भयभीत हैं कि पॉज मशीन पर जो हमारे हाथ के अंगूठे लगाए जाते हैं उससे कोरोना जैसी महामारी को बढ़ावा मिल सकता है और फैल सकता है, तथा सरकार को यह करना चाहिए कि आप सरकार हमारे आधार कार्ड से राशन प्रदान करें तथा इस महामारी से बचने के लिए सरकार को हमारा साथ देना चाहिए तथा नया राशन कार्ड वार्ड के स्तर पर उपलब्ध करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार तथा राज्य सरकार हम गरीब लोगों को ना करें तथा इस बीमारी से बचाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने गर्दनीबाग के जनकल्याण राशन कार्डधारियों के संरक्षक दशरथ पासवान से वार्ता भी किया। दशरथ पासवान ने कहा कि सरकार को गरीबों पर इस महामारी जैसी बीमारी कोरोना वायरस से बचने के लिए इन गरीबों पर दया करना चाहिए तथा पोस मशीन पर रोक लगाना चाहिए, ऐसा जिससे महामारी को फैलने से रोका जा सके। MI प्लस न्यूज के संवाददाता के ब्यूरो रिपोर्ट। क्या समस्या है, क्या क्या समस्या है? हम लोग लॉकडाउन में अधिकांश मोहल्ला क्षेत्र में विजिट करके कैंपेनिंग करके देख रहे हैं कि शहरी गरीबों का ये लॉकडाउन में स्थिति एकदम भयावह हो गई है। कोरोना बीमारी से तो लोग चाहे जो भी हो मगर गरीबी हालात से लोग जरूर मान कि प्रताड़ित हो रहे हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि कोरोना बीमारी से सोशल डिस्टेंस बनाकर रहो, आपसी दूरी बनाओ, हैंड सैनिटाइज करके चलो, मगर यहाँ पॉस मशीन पर अंगूठा लगाने के कारण गरीबों को कोरोना का भय सताया जा रहा है। और शहरी गरीब लोग मजबूर हो गई है कि हम पॉस मशीन में राशन नहीं लगाएंगे। अगर राशन बांटना ही है तो FCI के सूची से मिलान कर बांटें या आधार कार्ड का नंबर मिलाकर बांटें। हमारा संगठन हमेशा ये प्रयास कर रहा है और कोरोना को लेकर हम लोग डीलर लोगों को भी कह रहे हैं कि भाई पॉस मशीन पर जो लगाया जा रहा है अंगूठा, वो केंद्र सरकार की मानी कि उदाहरण जो दे रहे हैं कि नहीं लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाए। यहाँ कहाँ सोशल डिस्टेंस बन रहा है, अंगूठा लगवाने जा ही रहा है, एक मशीन पर 100 आदमी अंगूठा लगा रहा है। अच्छा, अपना नाम बोलिए। मेरा नाम राजेश पासवान, जन कल्याण राशन कार्ड धारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष। राशन हम नहीं लेंगे, मशीन वापस लो, मशीन वापस लो, गरीबों का साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, और दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अकेला व्यवहार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिना अंगूठा लगाकर गरीबों को राशन देना होगा, देना होगा, देना होगा, बिना अंगूठा लगाकर गरीबों को राशन देना होगा, देना होगा, देना होगा, अंगूठा लगाकर कोरोना बीमारी को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अंगूठा लगवाकर पॉस मशीन पर कोरोना बीमारी को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नया राशन कार्ड वार्ड स्तर पर नया बनवा कर उपलब्ध करवाना होगा, करना होगा, करना होगा, नया राशन कार्ड स्लम बस्ती वार्ड स्तर पर वितरण करना होगा, करना होगा, करना होगा, 2017 का राशन कार्ड बना हुआ वार्ड स्तर पर वितरण करो, करना होगा, करना होगा, FCI में मंत्री हाय हाय, हाय हाय, बिहार सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, राज्य सरकार न्याय करो। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम दशरथ पासवान है, हम जन कल्याण राशन कार्ड धारी संघ के संरक्षक हैं बिहार के। ये कोरोना बीमारी जो है, कोरोना वायरस की बीमारी है, देश दुनिया में फैला हुआ है और देश दुनिया में अनेकों लोग, लाखों लाख लोग इस बीमारी से मर गए हैं, अपने परिवार को छोड़ दिया है, त्याग दिया है और ये सरकार को आँख में लोग नहीं रहा। समस्या क्या है? समस्या ये है कि अभी कोरोना का बीमारी चल रहा है, एक मशीन में, पॉस मशीन में सैकड़ों लोग हाथ लगा करके, अंगूठा लगा करके राशन ले जाने का काम करते हैं और यह बीमारी फैलता है, छुआछूत का बीमारी है, वायरस फैलता है। आपको नाक तोपना है, मुंह तोपना है, आपको किसी से एक अलग रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रहना है, सामाजिक दूरी बनाकर रहना है और एक मशीन में गरीबों को जैसे कि अंगूठा लगा कर 100 लोगों को अनाज बांट रहा है। ये अनाज नहीं बांट रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ये अनाज नहीं, ये कोरोना बांटने का काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कोई ऐसा जगह नहीं है, अमीर सुहानी है राज्य के मुख्य सचिव, उप मुख्य सचिव हैं अमीर सुहानी साहब, जब नहीं बचे पटना DM में दफ्तर में 14-14 वो लोग, आपके DPCM के हैं 14-14 वो लोग, तो कोरोना पॉजिटिव निकलता है या ये लोग अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता है? हमने माननीय राम विलास पासवान जी को
माननीय भारत के प्रधानमंत्री पीएमओ को कार्यालय को लिखा, यही नहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा, मैंने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को लिखा, यहाँ विभाग के सचिव को लिखा, और ये पटना का चारों जो अंधा विधायक है, मैंने चारों अंधा विधायक को भी लिखा। और ये लोग को समझ में नहीं आ रहा कि पटना सिटी से लेकर के पटना का क्या स्थिति बना हुआ है। ये लोग घोटाला घोटाला खेल रहे हैं गरीब के बीच में। आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मैंने आवेदन में दिया कि आगे की कार्रवाई किसे मुझे भी अवल के रहने की कृपा किया जाए। लेकिन ये लोग गरीब अमीर की में फर्क समझने लगे। अमीर पैदा लेता है माथे से, गरीब पैदा लेता है ठंडा से। ये अपनी चलने वाली नहीं है, अपनी चलने वाली नहीं है। गरीब इस बात को समझ गया है कि कोरोना काल में गरीब को मरना है और गरीब मरेगा और ये लोगों को मस्तक ठंडा हो जाएगी। इसलिए हम तो बार बार कहते हैं, इसकी मुहिम छेड़े हुए हैं कि आप ठीक है, आप कह नहीं उठाते, आप कह नहीं फाइल छूते हो, आप कहे दफ्तर बंद कर दिए हो। तुम्हारा जान है, तुम्हारा परिवार है, और बाकी जैसे गरीब है जो अनाज खाता है पीडीएस का, वो जैसे कि जानवर है। इस चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि आपने जो 4 से 5 जनवरी में लाया, दिसंबर में लाया था, अब पोस्ट मशीन अब डीलर की ठंडी से बंटवाने का काम किया था, और आज जब बीमारी फैल गया है तो आप एक को सत्संग उठा लगवा करके क्या बताना चाह रहे हो कि गरीब मर जाए कोरोना की बीमारी से? ये दिखाना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, चीफ सेक्रेटरी साहब को यह चीज़ में मालूम होना चाहिए। और मालूम है, हम बहुत बड़ी घोटाला का बात बदला बताने जा रहे हैं, अभी नहीं बताए। 16 से लेकर आज तक केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो आया आता रहा है चावल और गेहूँ, इसके 20% कटौती करके बिहार में बंटवारा हुआ है। इसके हिसाब होने चाहिए, जनता इसके हिसाब लेगी। और ये जो आप पोस्ट मशीन लाए हैं, ये भारी कमीशन से लाए। सारा लोगों को यह बात मालूम है। यह बात आते क्यों नहीं खुलासा हुआ कि यह मशीन किसने दिया? केंद्र सरकार दिया या बिहार सरकार दिया? यह डीलर के पैसा से आया, यह डीलर के कमीशन से आया, यह जनता के गाढ़ी कमाई से आया? ये बताने का काम करे सरकार। या आखिर पोस्ट मशीन आया तो कहाँ से, किस गजट से आया ये? इसलिए हम बता देना चाहते हैं, ये जमड़िया में है, अभी हम उनका नाम लिखे हुए हैं, समझे कि नहीं? अजमुद्दीन साहब जो है जमड़िया के रहने वाले हैं, नूर जहां के नाम से उनका जहां आरा के नाम से उनका जो है राशन कार्ड है, और वो अंगूठा लगाते हैं। अजमुद्दीन साहब जो अभी कोरोना की बीमारी से अंगूठा लगे हैं, वो कोरोना की बीमारी से भी भर्ती हैं। हम माइकल आचा जांच के वाले, क्यों गरीब के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों गरीब के दुश्मन बना हुआ है? अपनी चलने वाला नहीं है, अपनी दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। गरीब समझ गया है कि अब हमको इस कोरोना से अगर बच गया, अगर चुनाव हुआ तो हम अपने मन की बात रखेंगे। जो प्रधानमंत्री डाक लगाते हैं बिहार का, बोली लगाते थे चुनाव में, आज वो चिढ़े हुए हैं। विधानसभा चुनाव में हमको ये लोग बताने का काम किया है, हम कोरोना की बीमारी में बताने का काम करेंगे। पहले तो हम यहाँ के राजनेताओं से कहना चाहेंगे, विपक्ष के चाहे तेजस्वी हो, चक्रनंद सिंह हो, इन लोगों को भी आँख में पानी नहीं है। गरीब का वोट लेता है, आँख में पानी नहीं है। हम इन लोगों को भी लिखा है, आप पूछ सकते हैं। ये डंका के चोट पर कहते हैं कि गरीब अभी इन लोगों को, गरीब से इन लोगों को ममता नहीं रह गया है। लूटो खाओ, राज करो, राज गद्दी पर बैठो और गरीब पर सुताओ, यही इन लोगों का मतलब रह गया है। मेरा नाम दशरथ पासवान है, हम जल कर गया राशन कार्ड है, सके संरक्षा करें। और जब तक ये पोस्ट मशीन से कोरोना बीमारी में चलता रहेगा, हम आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए मुझे जो सजा देना हो सरकार को सजा दे।